personaje? मेथी भाजी को थोड़ा गरम कर देंगे तो इसका पानी सूख जाएगा। इसके बाद हम आटे में यूज़ करेंगे। बस सूख गया है, जस्ट 2 मिनट ही चलाना है। मेथी भाजी के अंदर अभी हम मसाले करेंगे। वन फोर्थ टीस्पून हींग, आधा स्पून हल्दी, और 1 स्पून काश्मीरी मिर्च, और 1 स्पून तीखा मिर्च, धनिया पाउडर, अजवाइन है, तिल, नमक स्वाद अनुसार, और ये जो बॉक्स है ना, करीब 2 बाउल आटा है, डेढ़ डेढ़ बाउल भी डाल सकते हैं, थोड़ा बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो डाल दूँगी। और ऑयल, दो टेबलस्पून जितना ऑयल, या तो घी भी आप यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें मिला के हम इसको आटा बना के रेस्ट के लिए रख देंगे। आटा बिल्कुल नरम नहीं बनना चाहिए, थोड़ा टाइट बनेगा, थेपले जैसे बनता है ना वैसा। मठरी बनानी है इसलिए टाइट आटा बनेगा तो अच्छा है, रेस्ट होगा तो बाद में वो मीडियम हो जाएगा। आटा हमें ऐसे मुट्ठी बने बंधना चाहिए, वैसे बनाना है। उतना तेल और घी, दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप डाल सकते हैं। आटा बन गया है, हम इसे ढककर रेस्ट करने के लिए रख देते हैं आधा घंटा। आटा हमारा बिल्कुल तैयार है और अभी हम बनाएंगे घी और राइस फ्लोर का जो साटा बनता है ना वो बनाएंगे। जो बनाते हैं ना परोठा के ऊपर लगाते हैं आटा और घी का, वो बनाते हैं। एक स्पून आटा और एक स्पून घी, इसको बिल्कुल बहुत ही मिक्स करना है। ये तैयार हो गया, देखिए ना कलर कितना बढ़िया लग रहा है, वाइट साटा बन के रेडी है। और हम अभी एक हम ये बड़ा वाला लेंगे, लुई लेंगे और इसको बेलेंगे। अब चाहे तो इसमें थोड़ा सा
आटा छिड़क के बना सकते हैं। अभी इसको बेल लेंगे। देखिए कितना बड़ा हो गया है। अभी हम इसमें साटा है ना लगाएंगे, बिल्कुल पतला सा। इसे हम ऐसे आधा आधा फोल्ड करेंगे। हो गया ना, इसको ऐसे, इसको ऐसे। अभी इधर भी हम थोड़ा साटा लगा देंगे। घी और आटे का मिश्रण होता है ये, देखिए हो गया ना। इसके ऊपर भी लगाएंगे, बस बिल्कुल पतला पतला सा, ज्यादा नहीं। अभी इसे हम बेल लेंगे। देखिए अभी एक बार और लगा देते। इसे हम इस तरह फोल्ड कर देंगे, यहां लगा के, ताकि उसकी जो लेयर हो ना बहुत बहुत अच्छी बनती है, लेयर सब खुली खुली दिखेगी। इसके ऊपर लगाएंगे। बस इसे हम फोल्ड कर देंगे। तो आप थोड़ा आटा ले सकते हैं ताकि ये चिपके नहीं।
हल्का हल्का बंद करके अभी हम इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे। देखिए इसको थोड़ा ऐसे दबा देंगे, ज्यादा नहीं, हो गई ना। बस आपको ऐसे थोड़ा अगर बेलना है तो बेल सकते हैं। हो गई ना, अभी इसे हम कट कर लेंगे। देखिए इतने साइज का करना है। कटिंग अभी इसे हम फ्राई कर लेंगे। हमने जो मटर तैयार किए ना अभी इसे तेल में फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने तेल रख दिया है, वो गरम हो गया है और धीरे धीरे इसमें डाल देंगे हम बिल्कुल मीडियम आंच में। इसे फ्राई करना है। अभी इसको हम पलट लेंगे, गोल्डन ब्राउन करनी है। मीडियम फ्लेम पे हो जाएगा। देखिए कलर उसका ब्राउन होने लगा है। चलिए बहुत क्रिस्पी और लेयर वाली हमारी मेथी मटरी तैयार है।